इंडियन स्टडी। तारीख है आज 12 जनवरी और हम कवर करेंगे 12 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आप और पुरानी वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। SBI ने भारत के वर्ष 2020 में अनुमान में कटौती कितने प्रतिशत की है? तो देखिए भारत के GDP में क्या है, यहाँ पर GDP है, मिसप्रिंट हो गया है। तो भारत की GDP की 2020 में क्या अनुमान बताया है? तो देखिए पहले जो SBI ने GDP बताई थी तो वो 5% बताई थी, परंतु अब इन्होंने कटौती करके कितनी बताई है, 4.6% बताई है। तो 2020 में जो SBI ने अनुमान लगाया है GDP का, वो कितना रहा है, 4.6% रहा है। साथ ही साथ अभी कुछ और लोगों ने भी इसका अनुमान लगाया, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था या GDP है वो 5% रहने वाली है, जबकि डच बैंक ने भी अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको सारे जो जिन्होंने अर्थव्यवस्था या GDP के तौर पर क्या दी है, अपनी कटौती या अनुमान दिया है, उनको आपको याद रखना है। यदि बात करेंगे SBI की, तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 में। मुख्यालय MC रोड नरीमन पॉइंट मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। S14C किसने और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, ये पूरा क्वेश्चन है। S14C और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का लॉन्च किसने किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गृह मंत्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए गृह मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह जी हैं, और इन्होंने ही साइबर क्राइम पोर्टल का उद्घाटन किया है। यदि बात की जाए साइबर क्राइम पोर्टल की, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बात करेंगे गृह मंत्रालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस समय मंत्री कौन है, अमित शाह मंत्री है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के सुल्तान काबू बिन सैद का निधन हो गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओमान, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ओमान के सुल्तान काबू बिन सैद, तो ये रहे ओमान के सुल्तान काबू बिन सैद, जिनका क्या हो गया है, देहांत हो गया है। और आपको ये इनके बारे में एक बात याद रखनी है कि ये ओमान में सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले सुल्तान हैं। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है सुल्तान काबू बिन सैद। चलेंगे ओमान की ओर। तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। सुल्तान काबूस बिन अलसा जिनका इंतकाल हो गया है, और मुद्रा क्या है कि रियाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लोकप्रिय रथ महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु ये रहा मैप में, जिसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलनास्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए त्रिपुरा राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। यदि बात की जाए त्रिपुरा की, तो ये रहा त्रिपुरा मैप में छोटा सा, जिसकी राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल है रमेश बेस, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, AK कुरेशिया के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ईदू शरीफ का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक लोक गायक थे। तो देखिए ईदू शरीफ
एक प्रसिद्ध लोक गायक थे, संगीतकार भी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं यूतु शरीफ, जो कि बहुत ही बड़े प्रसिद्ध लोक क्या थे, गायक थे। और साथ ही में ये APJ अब्दुल कलाम की फ़ोटो दिख रही, जिनको जिन्होंने इनको सम्मानित किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने पेपर लाइसेंस शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि DPIIT इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग, क्या है, उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के द्वारा ये क्या किया गया है, पेपर लाइसेंसिंग प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं DPIIT। अच्छा, यदि बात की जाए पेपर लाइसेंसिंग प्रोसेस, तो देखिए ये किया गया है जो आप टैंकर देखते होंगे ऑयल वाले, तो उन ट्रकों के लिए किया गया है। यानी कि अब जो उनके लाइसेंस होंगे, जो उनके चालान होंगे और जो भी उनके कागजात होंगे ज़रूरी, वो सब क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो एक डिजिटल के रूप में ये एक कदम बढ़ाया गया है। चलेंगे आगे की ओर। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो हरियाणा, कर्नाटक और केरल ये तीनों ही क्या रहे हैं, टॉप पर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पर हरियाणा रहा है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर केरल रहा है। तो देखिए ऊर्जा दक्षता इफिशेंसी, सॉरी ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जो कि जारी किया गया है BEE, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी के द्वारा ये जारी की गई है, जिसमें हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि कर्नाटक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और केरल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बात की जाए हरियाणा की, तो ये रहा हरियाणा मैप में, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर वहाँ के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने पूरे देव को लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इस्पात मंत्रालय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज थोड़ा सा मैं कहीं बाहर हूँ और बिजी हूँ, इसी कारण आपकी 8 बजे की वीडियो जो थी रात की कल नहीं डल पाई है, तो सॉरी फॉर उसके लिए। और आज भी 9 क्वेश्चन आपको मिल पाए क्योंकि बाहर हूँ, थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे, तो प्लीज़ डेली की तरह इस वीडियो को भी देखिए। और हम चलेंगे अब कल के प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने वेटलिफ्टर सरबजीत कौर को 4 साल के लिए बैन किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नेशनल एंटी डोप्ड एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और नाडा से क्वेश्चन बनता है कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है। ठीक है, चलेंगे आज के प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे हुडको का अध्यक्ष एवं MD नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।